मिल गया आध्या को उसके कर्मों का फल, मगर अभी भी नहीं खत्म हुई नफरत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज पहला एपिसोड 6 महीने के बाद वाला देखा, मजेदार एपिसोड था, अच्छा था, होपफुल एपिसोड था। मगर इस होपफुल एपिसोड में एक आध्या की जो बात समझ में आई है वो यही समझ में आई है कि उसको अपने कर्मों का फल मिल गया। वो एक फैमिली चाहती थी, वो फैमिली उसको नहीं मिली, और जो फैमिली थी वो उसने अपने हाथों से गवा दी। बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुज क्यों गया वापस, क्यों यू टर्न ली अनुज ने, क्योंकि आध्या ने इतना डराने वाला फोन किया कि अनुज डर गया। और अनुज हफड़ा दफड़ी में गाड़ी को पीछे मोड़ रहा है, और ये फोन किसका था? आध्या का ही था। हम सब ने देखा कि कैसे आध्या ने अनुज को इमोशनली इतना तोड़ दिया कि वो अपनी बेटी को इस तरह से अकेले कहीं जाने के लिए नहीं कह सकता, सोच भी नहीं सकता कि मेरी किडो जो है अकेले रहे, क्योंकि उसने प्यार ही इतना किया है छोटी को, तो कैसे सोच सकता है। और ये आध्या का ही फोन था जिसकी वजह से अनुज गया, उधर अनुपमा को बताया, इधर अनुज की एक्सीडेंट की हमने क्लिप्स देखे, उधर अनुपमा के एक्सीडेंट के हमने क्लिप्स देखे, और दोनों अलग तो हुए ही, मगर इस तरह से अलग हुए कि ना तो अनुपमा को पता है अनुज कहां पे है, ना तो अनुज को पता है अनुपमा कहां पे है, ना आध्या को पता है कि उसके मम्मी और पापा कहां पे है। यही नजर आया ना आज के इस एपिसोड में, क्योंकि अनुज तो दीवाना पागल जो भी है वो हो चुका है, क्योंकि जो दिखाया गया है उसी से हम सोच सकते हैं कि अनुज के सर पे चोट लगी है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के बाद वो घर वापस गया ही नहीं, वो सब कुछ भूल गया। वो भूल गया कि मैं अपनी बेटी को रोकने जा रहा था, वो भूल गया कि मेरी कोई बेटी भी है। और यही दिख रहा है दोस्तों, आध्या हॉस्टल में चली गई, जैसा अनुपमा ने बताया कि उसको जो भी फोन वोन किए उसने उससे पता चला कि अनुज का, तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, बट आध्या हॉस्टल में है। तो आध्या अगर हॉस्टल में है तो इसका मतलब साफ है कि आध्या ने भी मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि फोन तो वहीं पे पटक के चली गई थी, और वो इसी नफरत में वहां पर बैठी रही होगी हॉस्टल में, जो अभी तक हम देख रहे हैं 6 महीने तक कि मेरी मां ने मेरे पॉप को भी मुझसे छीन लिया। इसी इमोशन के साथ वो वहां पे हॉस्टल में होगी, और अब मैं अपने पॉप का भी चेहरा नहीं देखूंगी, मेरे पॉप और मेरी मां दोनों अपना जीवन बिताएं, मैं इनके बीच में नहीं आऊंगी। इसलिए उसने वापस मुड़ के देखा ही नहीं 6 महीने में कि कहां पे है मेरे पॉप और क्या कर रहे हैं, क्या मेरे फोन के बाद मेरे पॉप ने ढूंढा मुझे कि नहीं ढूंढा। अब हॉस्टल में कैसे रह रही है, शुरू से पैसे ले रही है, कहां से पैसे ले रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, या फिर जो कार्ड अनुज का वो लेके गई थी उसी से अपना काम चला रही है, क्योंकि अनुज के कार्ड से वो पैसे विथड्रॉ कर रही होगी, और इधर अनुज को तो पता ही नहीं है कि वो क्या रहा है, और बहुत पैसा है, 6 महीने तो क्या बहुत साल तक आध्या अपनी परवरिश अपने आप कर सकती है अनुज के पैसों पर। तो ये टेक्निकल पार्ट जो मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये सवाल भी दिमाग में आते हैं कि कहां से आएगा पैसा। अब ये सब कुछ है क्या एक्चुअली, जो आध्या बार बार इसी बात को लेकर अपनी मां से नफरत कर रही थी कि मेरी मां नहीं होनी चाहिए, हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, वही मां आज भी उसके लिए दुआ कर रही है। मगर आध्या क्या कर रही है, आज भी उस मां से नफरत कर रही होगी दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये अंजाम भुगतने के बाद भी, अपने कर्मों का फल भुगतने के बाद भी, क्योंकि इस बच्ची को कर्मों का तो समझ में होगा नहीं, क्योंकि जब बड़ों को समझ में नहीं आ रहा तो बच्ची को कैसे आएगा, बट इतना तो पता होना चाहिए कि मेरे जो मैंने किया है उसका क्या रिजल्ट निकला। अगर मैं बीच में नहीं आना चाहती थी तो मैं बीच में से चुपचाप निकल जाती, मगर मैं तो बीच में रहना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने पॉप को फोन किया, उनको इमरजेंसी में ऐसा कर दिया कि उनका जो भी कुछ हुआ मुझे लेना देना नहीं है, और मैं अपना उल्लू सीधा करके निकल ली। तो ये आध्या ने तो जो करना था वो कर दिया है, आगे देखते हैं कान्हा जी और क्या क्या करते हैं
क्योंकि जो दिख रहा है उसके हिसाब से अनुज और अनुपमा जल्दी ही मिलेंगे, और अनुज को तो सुद्बुद्ध नहीं है मगर अनुपमा को पूरी सुद्बुद्ध है, तो मजेदार होगा दोस्तों। मगर आध्या के लिए सच में बुरा लग रहा है क्योंकि आज वो अकेली हॉस्टल में है जिसने इतने सारे पैंपर्स के बाद ये लाइफ चुनी है। तो आप क्या कहते हैं उसके बारे में बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.